नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल की तेजी, परसों की तेजी, आज का कंसोलिडेशन, कल कहां होगी निफ्टी की एक्सपायरी, इसके बारे में आप सभी के साथ डिस्कशन करूंगा। FIIs का डेटा, आज FIIs ने सेलिंग तो करी है लेकिन सेलिंग थोड़ी कम करी है, तो ये पॉजिटिव दिख रहा है मेरे को। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो भरपूर चल ही रहा है और कल भी होगा क्योंकि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के रिजल्ट्स आए जो कल रिएक्शन देंगे, और कल भी बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट्स आने तो उनको भी क्लोजली वॉच करेंगे। अमेरिका अपना CPI कोर इन्फ्लेशन पेस करता हुआ दिखा है, और उसके बाद US मार्केट में तेजी है क्योंकि वो दर्शा रही है रेट कट आपके लिए जल्दी आ सकते हैं। तो इस समय मेरे पास सारी की सारी पॉजिटिव चीजें हैं। कल है लेकिन एक्सपायरी, और एक्सपायरी का अपने आप में एक बड़ा रोल होता है, सारी पोजीशंस को कटना होता है, तो कुछ लोगों को लॉस लेना पड़ता है तो कुछ लोगों को होता है मुनाफा। अब सवाल ये उठता है कि कल बाजार में तेजी या मंदी, इसी को इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा डेटा की मदद से। शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। सबसे पहले शुरू करना चाहूंगा ग्लोबल मार्केट्स के साथ, जहां पे अमेरिका अपने CPI कोर इन्फ्लेशन के डेटा के बाद ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। डाओ में लगभग 0.5% की तेजी है, 200 पॉइंट ऊपर है। नेस्डेक इंडेक्स 1% रैली कर रहा है, S&P 500 0.5% ऊपर है, और रसल 2000 भी 1% ऊपर है। विक्स आपके लिए 0.6% घटता हुआ दिख रहा है, तो ये काफी पॉजिटिव चीज है। तो अमेरिका में तो सब कुछ इस समय अच्छा दिख रहा है। अगर यूरोपियन मार्केट की बात करें तो वहां भी सब कुछ अच्छा है, और एशिया पैसिफिक आपके लिए फ्लैट टू नेगेटिव, फ्लैट टू पॉजिटिविटी के बीच में बाजार झूल रहे हैं। अब आता हूं मैं एक्सपायरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे। 22,200 एग्जैक्टली हमारी क्लोजिंग आज स्पॉट में, 22,300 रेजिस्टेंस है, 22,100 सपोर्ट है। हम बीच में आके क्लोजिंग दे गए हैं, तो प्रिडिक्शन करना यानी कि बेवकूफी है, कुछ उम्मीद नहीं लगाएगी। कल जो बाजार में होगा वही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 22,300 के ऊपर निकलेंगे तो शॉर्ट करने वाले ट्रैप हो जाएंगे, उसके बाद शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है जो 22,350 और 400 की तरफ लेके जा सकती है। नीचे 22,100 के नीचे निकलेंगे तो फिर ये लॉन्ग करने वाले ट्रैप हो सकते हैं जो नीचे में 22,050 की तरफ खींच सकता है बाजार को। अब दूसरी तरीके से देखो तो 22,285, 70, 80, 90 यानी कि 300 के पास आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, वापस नीचे आ सकता है बाजार, और 22,120, 130 के करीब आप बाइंग कर सकते हो, ऊपर जा सकता है। क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, या तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में काम करेंगे, और इनके ऊपर निकल गया मार्केट अगर, तो फिर आपके लिए लॉन्ग अनवाइंडिंग है, शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी। तो क्या करें, दोनों तरफ की बातें कर दी क्या मैंने? मैं आपको समझाता हूं उसका सही सॉल्यूशन। अगर बाजार आपके लिए पहले 22,280 के करीब आ जाए, एग्जिट कर दो या शॉर्ट पोजीशन बना लो। इनकेस 22,315 पे 5 मिनट टिक जाए एक कैंडल, तो फिर उस पोजीशन में लॉस बुक करके उल्टा लॉन्ग कर लो, ये कर सकते हो। सेम अपोजिट में आप नीचे आए तो लॉन्ग करो और सपोर्ट ले लो, अगर नीचे निकल जाए स्टॉप लॉस कटवाओ और नीचे की पोजीशन बनाओ। यानी कि आपको एक बार हो सकता है लॉस बुक करना पड़े अगर आपके विपरीत गई पोजीशन तो, और उसी जिस तरफ लॉस हो रहा है उस तरफ की पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए, अदरवाइज आपको सिंपल शॉर्टेड पैसा बन जाएगा अगर वन साइडेड मूव आ गया तो। अब आता हूं मैं, या आप ये भी कह सकते हो जब बीच में खड़े हैं तो कुछ ना करा जाए, रेंज के एक हिस्से पे पहुंचे दूसरे हिस्से का ट्रेड ले लो, दैट्स इट। ठीक है, अब आते हैं हम अगले पैरामीटर पे, अपने FIIs के डेटा। तो आज लंबे समय बाद FIIs की सेलिंग थोड़ी हल्की हुई है, 2832 करोड़ की सेलिंग करी है, जिसके सामने DIIs बड़ा खरीद कर गए हैं 3788 करोड़ का। बट मे बी हो सकता है इसमें कुछ एडजस्टमेंट हो, लाइक सिप्ला में सेलिंग हुई थी आज, आपको याद होगा, प्रमोटर ग्रुप से ट्रस्ट कहीं ना कहीं चैरिटेबल को फंड को, तो शायद वो एडजस्टमेंट हो। बट जो भी है डेटा आज ठीक है, कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा है डेटा में। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है, कहां कहां होगा चलिए समझते हैं। सबसे पहले थॉमस कुक रिजल्ट्स आए हैं, कल रिएक्शन आएगा, नंबर्स ऊपर ऊपर से तो अच्छे दिख रहे हैं, काफी अच्छे हैं। सिग्नेचर ग्लोबल नंबर खराब दिख रहे हैं, मार्जिन आधे रह गए हैं, मुनाफा आपका, मुनाफा तो बहुत अच्छा गेन करता हुआ दिखा है, रेवेन्यू भी आपका, रेवेन्यू हल्का घटा है, लेकिन मुनाफा क्यों बढ़ गया फिर जब आपका कामकाजी मुनाफा भी घटा है, तो आई थिंक मुनाफे में एडजस्टमेंट है, नंबर खराब है सिग्नेचर ग्लोबल के। सीक्वेंस साइंटिफिक ये स्टॉक अपने नंबर पेश करता हुआ दिखा है, रेडिंगटन के नंबर आए हैं और रेडिंगटन थोड़े से मिले जुले नंबर हैं क्योंकि मार्जिन घटे हैं, लेकिन मुनाफा कंपनी का बढ़कर आया है, रेवेन्यू बढ़ा है,
तो कामकाजी मुनाफा घट गया है, तो मिले जुले नंबर है, लेट्स सी कैसा रिएक्ट करता है। एनएलसी, मॉयल, मैनकाइंड फार्मा के नंबर अच्छे दिख रहे हैं, हर एक पैमाने पे स्टॉक अच्छे एक्शन में रहना चाहिए कल। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के नंबर्स के साथ साथ 9 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड आया है, प्रॉफिट हल्का साल दर साल घटकर आया है, रेवेन्यू बढ़कर आया है, तो ये नंबर है। गोकुल एग्रो के भी नंबर आए हैं, गोवा कार्बन के नंबर आते हुए दिखे हैं और गोवा कार्बन के नंबर अच्छे दिख रहे हैं। सीएमएस इन्फो सिस्टम के नंबर्स आते हुए दिखे हैं आपके लिए, 3.25 रुपए का डिविडेंड आया है, मार्जिन में 500 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट आ गई है, कामकाजी मुनाफा 10 करोड़ से बढ़कर हल्का सा बढ़कर आया है, स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट में भी अच्छा जंप है, रेवेन्यू आपके लिए बढ़ा है, रेवेन्यू में बड़ा उछाल आया है जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ गया है, अदरवाइज मार्जिन तो टूटे हैं कंपनी के। अरियंट सुपर स्ट्रक्चर के भी नंबर आए हैं, सोमैनी सेरामिक्स, पित्ती इंजीनियरिंग, एनसीसी, कोकोयू कैमलिन, ये सारे स्टॉक हैं जो अपने रिजल्ट्स पे रिएक्शन देते हुए दिखेंगे कल आपको। अब आते हैं उन स्टॉक्स पे जो कल रिजल्ट्स पेश करने वाले हैं, तो बहुत सारे नंबर्स हैं जहां पे कल नंबर आएंगे, कहां कहां आएंगे एक बार चेक कर लेते हैं 16th मई का डेटा। तो यहां पे मैं आपके साथ नंबर शेयर करूं तो M&M बड़ा नाम है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, गेल, वोडाफोन आइडिया, इन्फो एच, सोलार इंडस्ट्रीज, कंटेनर कॉप, फैक्ट, बायोकॉन, मदरसन वायरिंग, इंडोरेंस टेक्नोलॉजी, रत्नामणि मेटल्स, क्रॉम्पटन ग्रीव, त्रिवेणी टर्बाइन, केन्स टेक्नोलॉजी, कृष्णा इंस्टीट्यूट, वीगार्ड, एक्जोनोबल, ईक्लक सर्विसेज, कैपलिन पॉइंट, इन्फीबीम एवेन्यूज, प्रिज्म जॉनसन, प्रिंस पाइप, टैक्स मैकोरेल, जेके पेपर, सांगबी मूवर्स, वंडरेला हॉलीडेज, सनसेरा, ये सारे के सारे आपके लिए रिजल्ट्स हैं जो कल आते हुए दिखेंगे। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए सारी की सारी अपडेट थी कल के बाजार को लेकर, होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड नाइट गाइस।